नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज के एपिसोड का नाम है फ्राइडे फ्लैशबैक। फ्लैशबैक फिल्मों में उस सिचुएशन का नाम है जब हीरो वर्तमान में खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों पर ऐसी धुंध जमने लगती है जब वो धीरे धीरे अतीत में जाने लगता है, जब वो बच्चा होता है या किशोर होता है या फिर जेल जाने से पहले बहुत अच्छा होता है। अतीत के ऐसे कई सीन हिंदी फिल्मों में फ्लैशबैक के रूप में दिखाए गए और इसी नाम से अमर हुए। कई बार फ्लैशबैक इतने लंबे होते थे कि फ्लैशबैक में ही पहला हाफ निकल जाता था। जैसे ही हीरो या हीरोइन फ्लैशबैक से लौट कर आते थे, दोनों में से कोई एक सकपकाया हुआ नजर आता था, इधर उधर देखता हुआ, और उनमें से कोई एक तेजी से मुड़ता हुआ दूसरी दिशा में चलने लगता था। फिर कहानी वहां से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी इंटरवल हो जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम का नाम तब भी सत्य था, अब भी सत्य है, मगर जो साल था तब भी झूठ था, अब भी झूठ है। वो 2013 का साल था, अजीब सा साल था। वो किसी भूत की तरह शमशान से निकल आता है बार बार। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सिलेंडर की अर्थी निकली थी, दाम 600 के आसपास था, अब उसी सिलेंडर का दाम 833 से ज्यादा हो गया है, मगर शव यात्रा निकालने वाले गायब हैं। दरअसल वो अर्थी का अर्थ समझ चुके हैं, वो जानते हैं कि राजनीति झूठी है, राम का नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सोचिए, 600 दाम हुआ था, तब इन लोगों ने कमीज उतार दी थी, मनमोहन सिंह हाय हाय कर रहे थे। अब जब सिलेंडर 800 से अधिक है, इनकी कमीज कहाँ पर है, पतलून कहाँ पर है, हम नहीं जानते कौन कहाँ पर है। अगर ये आपको दिखें तो मुझे बताइएगा। आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फ्राइडे। फ्लैशबैक फ्राइडे में हम उन दिनों की तरफ आपको ले चलेंगे जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करते थे और तब क्या जोरदार प्रदर्शन हुआ करता था। आज बहुत से लोग उस विपक्ष को खोज रहे हैं जो तेल के दाम बढ़ने पर प्रदर्शनों की संख्या बढ़ा दिया करता था। यही बहुत से लोग आज के विपक्ष में उस विपक्ष को खोज रहे हैं जो 2014 के पहले प्रदर्शन करता था। पूछ रहे हैं कि हे आज के विपक्ष, तुम कल के विपक्ष की तरह क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है। वही ग्लोब, वही ग्लोबलाइजेशन, मगर तेल के दाम को लेकर इतना अलग अलग पिक्चराइजेशन, ऐसा क्यों है भाई। आग की लपटों के हवाले कर दिया गया यह मोपेड महंगाई के विरोध के इतिहास का वो गुमनाम नायक है जो अपने इंश्योरेंस होने या ना होने की व्यथा भी नहीं कह सका और जल गया। जला दी गई यह बस को, भरोसा रहा होगा कि जल जाने दो सखी, अगर मेरे जलने से डीजल फिर कभी महंगा ना हो। ये इंसान कितने खुदगर्ज हैं, खुदगर्ज नहीं है, इनका गोल ही क्लियर है। धुएं की ताप से इसलिए पीछे हट गए क्योंकि इन्हें पता है कि हम टायर जलाने आए हैं, खुद जलने नहीं आए हैं। प्लीज़ आप लोग मोपेड, बस और टायर की कुर्बानी याद रखिए, कभी फॉरगेट मत करिए। महंगाई के ये राजनीतिक विरोधी राजधानी एक्सप्रेस के सामने ही चले जा रहे हैं। ट्रेन को पता है कि इस वक्त एक्सप्रेस ये लोग हैं वो नहीं। फ्लैशबैक फ्राइडे में हम याद कर रहे हैं 2010, 2012 और 2000 साल के उन प्रदर्शनों को जब पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर हुआ करते थे, जब विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तब जब दाम 74 रुपए लीटर था, रविशंकर प्रसाद साइकिल से चले थे। अब जब 80 रुपए है, मुंबई में 87 रुपए से ज्यादा है, वे साइकिल से नहीं चल रहे। बीजेपी के ही रामेश्वर चौरसिया ने साइकिल की साधना कर ली थी, कैमरे के लिए हैंडल किसी तरह संभाल लिया, मगर अब इन्हें 80 या 89 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तब थे अब नहीं हैं, सदानंद गौड़ा साइकिल चला रहे हैं कैमरों के लिए। आज जब पेट्रोल ऐतिहासिक रूप से महंगा है, उम्मीद है उनकी वो वाली साइकिल अभी भी काम में आती होगी, चलाते होंगे। हमने कुछ लोगों से पूछा, क्या आप पेट्रोल के दाम के खिलाफ 2012-13 के प्रदर्शनों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? अगर आप मिस कर रहे हैं तो फ्लैशबैक फ्राइडे जरूर देखिए। उस समय ये होता था कि अगर एक रुपये बढ़ जाता तो चक्का जाम हो जाता था, ये हड़ताल हो जाती थी। लेकिन आज कल धीरे धीरे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे बढ़ाते तो लोगों को इतना इग्नोर करते, चलो कोई नहीं 20 पैसे बढ़ा है, इस समय इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन वो काउंट करोगे तो पूरे महीने के हिसाब से आएंगे तो 1.5-2 रुपये पड़ जाता है। लोग आज सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है। अच्छे वाली ये बात याद है 2012-13 में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ करते थे, भारत बंद हुआ करता था। जी सर, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे, हमें याद है, पर उस टाइम पे लोग उतरे थे और आज पता नहीं क्यों नहीं उतर रहे हैं, आज शायद लोग बिजी हैं।
उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था, इस टाइम पे भी अभी लोगों को प्रोटेस्ट तो नहीं यहाँ पर अपने एक्चुअली आजकल प्रोटेस्ट करने का दूसरा तरीका भी आ गया है, लोग ऑनलाइन भी सब चीजों को या फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। भारत की राजनीति के कुछ मूल कर्तव्य है, महंगाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहे जो हो जाए, भले दाम कम ना हो लेकिन विरोध करते रहना है। लाइब्रेरी में महंगाई का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं के खूब वीडियो हैं 2012-13 के। उस समय जब पेट्रोल के दाम 74 रुपए हुआ करते थे तो इतिहास गवाह है कि बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन करने में कोई आलस्य नहीं किया, कोई कमी नहीं की। उन प्रदर्शनों में जितने नेता शामिल थे उनमें से कई आज मंत्री के रूप में दिखते हैं, यानी सरकार बन गए हैं। पुराने प्रदर्शन के इस विजुअल में कोई नहीं कह सकता कि सुषमा स्वराज सीरियस नहीं है। आप फिर से देखिए, विदेश मंत्री के चेहरे का पुराना गुस्सा बता रहा है कि वो महंगाई को लेकर कितनी सीरियस रहती होंगी। उम्मीद करनी चाहिए कि वो आज भी सीरियस होंगी। उनके प्रदर्शन में सर पर सिलेंडर लादे आई ये महिलाएं क्या कहना चाहती हैं? मीडिया के कैमरों को ठीक से दिखे कि सिलेंडर का ही दाम बढ़ा है, इसीलिए सर पर सिलेंडर लादे चली आई हैं। सुषमा जी की सभा में बैठी हैं। क्या मेरे झकझोर झकझोर कर सुनाते हैं, मगर ये सरकार आंखें मीच कर और कान भींच कर दाम पर दाम बढ़ाती जाती है। आज बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 833 रुपए का है, सितंबर 2012 में यही वाला सिलेंडर 750 रुपए का हो गया था। रसोई में किनारे रखे सिलेंडर को घर घर से लोग खींच ले आए, सड़कों पर ले आए, मीडिया के कैमरों के सामने ले आए। जब भी प्रदर्शन होता था कोई ना कोई सिलेंडर लिए चला आता था। रांची की सड़कों पर सिलेंडर से सब्सिडी हटाए जाने की नाराजगी फूट पड़ी, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। अमृतसर में भी विरोध की ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीरें हैं। सिलेंडर टांगे लोगों ने, पुतले भी फूके। पेट्रोल और डीजल बेलगाम हो चुका है। अब नई सरकार आई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल से घटकर 45 से लेकर $50 प्रति बैरल पर आ गई और कई महीनों तक यही रहा। फिर भी कीमतों में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने समझना बंद कर दिया कि 115 लीटर डॉलर प्रति बैरल पर पेट्रोल 74 रुपए है तो 46 रुपए प्रति बैरल पर तेल, पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर क्यों है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कच्चे तेल की कीमत तो सिर्फ $75 से $80 प्रति बैरल के बीच ही है, फिर भी पेट्रोल उस वक्त से ज्यादा 89 रुपए प्रति लीटर कैसे हो गया है, जबकि प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $115 भी नहीं हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस वक्त एक प्रदर्शन में अर्थशास्त्र का जो फॉर्मूला बताया था, पहले उसे आप सुनिए सीरियसली। $127 से $90 पे जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत आ गई तो इस देश में पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। अब वही जेटली वित्त मंत्री हैं, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है। कहते नहीं हैं बल्कि ब्लॉग लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो मनमोहन सिंह के समय पर भी थी, पर एक बात की दाद देनी होगी, पेट्रोल के दाम भले ही ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हों, मगर पेट्रोल पंप पर ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अगर किसी की तस्वीर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आप भारत के किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, जैसे ही तेल भरा कर निकलेंगे सामने प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे। कोई ऐसा पंप नहीं मिलेगा जहां प्रधानमंत्री का पोस्टर मौजूद नहीं होगा, आपको घूर नहीं रहा होगा। कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री जी सब देख रहे हैं तो तेल के दाम का विरोध ही क्या करना है, चलो भराओ और चुपचाप निकलो, ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा समस्या हो सकती है। दाम बढ़ने से गैस का फायदा कम नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री के इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा, गैस का खर्चा रोज का 10 से 15 रुपए का बता रहे हैं, महीने का 450 हुआ आसपास। ये जरूरी है कि 833 रुपए देने वालों का हिसाब इस पोस्टर में नहीं है। पिछले साल जून में तय हुआ था कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम हर दिन बढ़ेंगे या घटेंगे। एक दिन में कभी भी इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी 7 सितंबर को हुई है। डीजल की कीमत में 50 पैसे से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल की कीमत में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में ही पेट्रोल करीब 80 रुपए का हो गया है और मुंबई में 87 रुपए से ज्यादा। कई छोटे शहरों में तो 87 रुपए से लेकर 89 रुपए के बीच पेट्रोल मिल रहा है। वहां पर कोई भी साइकिल चलाकर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जबकि साइकिल बहुतों के पास होगी। 2010 में तो महंगाई के खिलाफ इस विजुअल में देखिए महात्मा आ गए हैं।
महात्मा क्या वाकई महंगाई का विरोध करने आए थे? अब जब महंगाई उससे भी ज्यादा है, यहाँ महात्मा बनकर आए ये परमात्मा इन दिनों क्या कर रहे होंगे? मुझे टीवी पर अपना ही तस्वीर देखकर प्राइम टाइम में वो क्या सोच रहे होंगे? उसी साल जुलाई में भारत बंद हुआ था, क्या लेफ्ट क्या राइट सब एक ही पोस्टर पर पहुंच गए थे, एक ही मंच पर बीजेपी, एक ही मंच पर सीपीएम। यूपीए की सहयोगी ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर गई थी, सरकार छोड़कर विपक्ष के तेवर में मजा आ रहा था। रोज उनका बयान आता था कि दाम कम करो, जनता मरी जा रही। महंगाई ने बीजेपी और लेफ्ट सबको एक कर दिया। विपक्ष के भारत बंद की राजनीतिक कामयाबी का शायद ये सबसे अहम लम्हा था। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक साथ दिखे एनडीए और लेफ्ट फ्रंट के नेता। आपने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीता है, पर कांग्रेस के कार्यकाल में अगर हुआ है तो गरीब और गरीब हुआ है और धनवान हुआ है। सरकार के खिलाफ ऐसा साझा मोर्चा शायद 23 साल बाद बना। ये दुनिया उन नेताओं को भी यहाँ पे ले आए आपको समर्थन दिलवाने के लिए, और इस तरीके से ये एक व्यापक आंदोलन बने देश के अंदर। लेकिन रैली में लेफ्ट फ्रंट और टीडीपी जैसी पार्टियों का साथ देने वाले मुलायम सिंह जंतर मंतर पर बीजेपी के साथ एक मंच पर नहीं आए, बस अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया। सब नेता बैठ करके आगे की रणनीति बनाएंगे। मजबूत मंच है, इससे ज्यादा मजबूत मंच क्या हो सकता जो आप तक एक है। फ्लैशबैक फ्राइडे में साल 2010 भी है, 12 भी है और 13 भी है, जब जुलाई में भारत बंद हुआ था, जुलाई 2010 में। उसी साल एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। विद्वानों में आज तक ये मतभेद है कि वह फिल्म भारत की राजनीति और मीडिया की गोद से निकली थी या उस फिल्म से आज की राजनीति और मीडिया का सत्य निकला था। इसी फिल्म के गाने के साथ महंगाई डायन हो गई थी उस साल, और हर प्रदर्शनों में महंगाई डायन हाय हाय होने लगा। इन दिनों महंगाई उससे ज्यादा है, मगर अब वो डायन नहीं जानम है। विजय गोयल खुद को बाइक पर सेट करते हैं, एक बार पोजीशन सेट होता है और गोयल का बाइक काफिला चल पड़ता है। बाइक पर बैठे विजय की रैली ठीक से कवर हो इसके लिए कैमरे वाले कार की छत पर सवार है। रैली में कुछ भी हो सकता है, इसलिए पुरानी कार लेकर आए हैं, कोई अपनी नई कार लेकर नहीं आता है। रार इकरार और तकरार का माहौल है। गोयल बाइक पर चढ़कर शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगने गए हैं। 1 सितंबर 2013 को दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपए था प्रति लीटर, इसलिए नाराज हो गए थे। 1 सितंबर 2018 को 78 रुपए 68 पैसे हो गया, लेकिन अब नाराज नहीं हो रहे। तभी लोग प्रदर्शन करने वाले इन बाइकर्स को खोज रहे हैं। विजय गोयल तो मंत्री हो गए, लेकिन क्या इन कार्यकर्ताओं की भी तरक्की हो गई है? क्या उन्हें 79 रुपए पेट्रोल भराने में जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है? क्या वो बिना विजय गोयल के प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? स्लो मोशन में इन कार्यकर्ताओं को देखिए, पेट्रोल की कीमतों ने कितना उत्तेजित कर दिया है इन लोगों को। इन कार्यकर्ताओं में से कोई भी इस शो को देखेगा, यकीन मानिए वो खूब हंसेगा, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा और गिर जाएगा बिस्तर से। कोयला खदानों के आवंटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही बीजेपी को अब डीजल की बड़ी कीमतों के रूप में एक नया राजनीतिक हथियार मिल गया है। वैसे बीजेपी ने अगले हफ्ते पूरे देश में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया है, और निश्चित तौर पर बीजेपी अब डीजल और एलपीजी के मुद्दे को भी इस आंदोलन में शामिल करने जा रही है। उस समय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी राजधानी दिल्ली में, डेली 3 बजे दोपहर और शाम 4 बजे लाइव हो जाता था चैनलों पर। अचानक सारी खबरें गिर जाती थी, बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गया है। रोज हमले होते थे, सरकार की तरफ से भी रोज बचाव होता था। जनता तब भी वही थी, जनता अब भी वही है, बस सरकार में जो थे वो अब विपक्ष में है और विपक्ष में जो थे वो अब सरकार में है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। भारतीय जनता पार्टी का कुछ ये मूल मंत्र बन गया है कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे। 2014 से पहले तक बीजेपी में रहे यशवंत सिन्हा ने बीजेपी अब छोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? ऐसा लगा कि वे भी विपक्ष को मिस कर रहे हैं।
कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, क्या वो कुछ नया कहेगी या फिर वही कहेगी जो बीजेपी 2013 के साल में कह चुकी है। सिंपल समाचार में अनिंद्य चक्रवर्ती बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है वो 85% है और ये टैक्स सरकारों के आने जाने से नहीं बदलता है। कुल लागत बनता है जाकर 42.83 रुपए, ये है पेट्रोल की लागत, उसके ऊपर टैक्स बैठता है। टैक्स कितना है? एक्साइज ड्यूटी ये लगभग फरवरी से लगभग उसी पर है, 19.48 रुपए। और जो स्टेट है, जैसे ये जो दाम आप देख रहे हैं वो दाम 4 सितंबर के हैं, दिल्ली के दाम हैं, और ये स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 16.83 रुपए हैं। इन दोनों को आप मिला लेंगे तो कुल टैक्स कितना बैठता है? 36.31 रुपए। अब देखते हैं कि टैक्स का रेट क्या है। कुल लागत मैंने बताया 42.83 रुपए, कुल टैक्स 36.31 रुपए, टैक्स रेट कितना हुआ? 85% टैक्स रेट है। तो आप सब जानते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन लोग सहज होते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। पूछने पर कोई कह रहा है कि तकलीफ है, मीडिया ने इस टॉपिक को छोड़ दिया है, अब दाम बढ़ने से सरकार की नाकामी नहीं होती है, डर लगता है। तब दाम बढ़ने से सरकार की नाकामी हुआ करती थी, रोज किसी को डर नहीं लगता था, क्या दिन क्या रात प्रदर्शन ही प्रदर्शन हुआ करते थे। हम ये सब इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अब जब भी पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन हो या उसकी कमी खले तो आपको लगे कि अरे ऐसा तो कहीं देखा है, ठीक ठीक ऐसा ही कुछ सुना है, लेकिन कहां देखा है, कहां सुना है, किससे सुना है और वो अब कहां है इन दिनों। हमारा रुपया, भारत की शान, सरकार की गरिमा। अगस्त 2013 में $1.68 का ही हुआ था, मुद्दा बन गया, ट्वीट पर ट्वीट आने लगे कि प्रधानमंत्री की गरिमा गिर गई, भारत की आजादी की जो उम्र है उससे भी आगे निकल गया है रुपया, कितना कमजोर हो गया है। बाबा लोग, धर्मगुरु लोग बोलने लगे कि ये आ जाएंगे तो 40 रुपया हो जाएगा $1 के मुकाबले। समझना मुश्किल हो रहा था कि अब जब $1.72 का हो गया है तो वो बाबा लोग कहां है, वो ट्वीट करने वाले कहां है। तो क्या सरकार की गरिमा गिर गई, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर गई, क्या हुआ आजकल? क्या राजनीति में 2013 का साल तर्कों के समाप्त होने का साल था तब पता नहीं चला, या उस साल ने बहुत चालाकी की हम सबके साथ, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ट्विटर का स्क्रीनशॉट रख लिया, बयानों का वीडियो रख लिया ताकि बाद में बता सके कि राजनीति में हमेशा तार्किक बात नहीं कही जाती, नेता ना विपक्ष में होकर सही बोलते हैं ना सरकार में जाकर सही बोलते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? सरकार में होने से सब सरकार नहीं हो जाते, जो नहीं होना होता है वो सरकार में होने से भी नहीं होता है और नहीं होने से भी नहीं होता है। बाकी आप विपक्ष को खोज रहे हैं तो पहले खुद को भी खोजिए। हाँ, मीडिया बदल गया है, मीडिया विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेता है, तब वो विपक्ष को सरकार से ज्यादा महत्व देता था, उसके पास जाता था, तब वो लोगों की रसोई में जाता था। अचानक एक टीवी पर एक दिन टीवी पर कभी कोई महिला खाना बनाते हुए दिख जाती थी,
खेतों में जाता था तब मीडिया पूछने के लिए महंगाई बढ़ी है तो क्या तकलीफ है किसान भाई, कोई ना कोई तो अब भी जाता होगा, हमारे रिपोर्टर तो अब भी चले जाते हैं घूमते टहलते, शायद बाकियों के भी जाते होंगे अगर हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिलता होगा या कभी कभी डर नहीं लगता होगा तो। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार चलाने का जायका बिगड़ता है, लेकिन जब डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है तो न सिर्फ चावल गेहूँ दाल की कीमतों पर असर पड़ेगा बल्कि उसके साथ थाली में सजने वाली सब्जी पर भी उसका असर दिखेगा, क्योंकि वो सब्जियां गांव से जब निकलती है तो इसी तरह ट्रैक्टर के जरिए शहरों तक पहुंचती है। राम औरत की रसोई तो आज ध्वस्त ही कर दी, 5 जने का परिवार चलाने के लिए किस घर में आधे सिलेंडर से काम चलता है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि साल भर में 6 सिलेंडर मिलेंगे 399 रुपए के हिसाब से और बाकी 750 रुपए के हिसाब से लेने पड़ेंगे। काश कांग्रेस की महिला अध्यक्षा ने आम औरत की रसोई के हिसाब और उसके दर्द को समझा होता। पेट्रोल 80 से लेकर 89 रुपए प्रति लीटर के भाव से भारत भर में मिल रहा है, डीजल पेट्रोल की तरह हो गया है, वो कब 80 रुपए का हो जाएगा पता नहीं, रुपए की हालत कमजोर है मगर वो बात नहीं है जो तब हुआ करती थी। लोग बदल गए या फिर टीवी का स्क्रीन बदल गया या कार्यक्रम उन लोगों की याद में बनाया गया है जो नेता नहीं थे और आज भी नहीं है मगर नेताओं के बुलाने पर उन रैलियों में गए थे, पुतले जलाए थे, सर पर सिलेंडर लाद कर गए थे, पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध कर रहे थे, कमीज उतारी थी, वो आज कितने बेचैन होंगे, कितना उनका मन करता होगा कि यार 89 रुपए हो गए चलो लेट्स डू सम प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करते हैं, मगर वो अपने आप को ले जा नहीं पा रहे। इनमें बेस्ट सिचुएशन में है नवजोत सिंह, बीजेपी में थे तो हाथी पर चढ़कर महंगाई का विरोध करने गए, अब कांग्रेस में है तो कर ही सकते हैं, हाथी तो अभी भी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल तो किताब लिख रहे हैं, सड़क पर कब उतरेंगे वही बता सकते हैं।